हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स विच हैज़ बिन गिवन इन योर लूसेंट। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज मेजर लेक्स की बात करेंगे। और ये अराउंड द वर्ल्ड के लेक्स हैं, नॉट फ्रॉम द इंडिया। तो एक आध अगर नाम अगर अब इंडिया के बारे में भी आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज सेपरेटली इसमें इंडिया में भी लेक्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें बहुत से फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स ये पहला मिलेगा कि हम ये देखें कि विच लेक्स आर इम्पोर्ट हैविंग अ लार्ज एरिया, वास्ट एरिया, एंड देन व्हाट इज देयर लोकेशंस। तो फर्स्ट इज कास्पियन सी। इसमें दे रहा है कि कास्पियन सी जो है उसका एरिया है 371,000। जैसा कि नेम इसका सी है, बट इट इज नॉट अ सी, इट इज अ लेक। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो, यू कैन से दैट फ्री फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, स्टैटिक टाइप के वाटर हैं ये। और रसिया, कजाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, सेंट्रल एशिया का ये रीजन है जहाँ पे कास्पियन सी मिलते हैं। वहीं लेक सुपीरियर जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में है ये, 82100। लेक विक्टोरिया जो है ये अफ्रीका के केन्या, युगांडा और तंजानिया के एरिया में, और एरिया 69,000 के अराउंड है इसका। वहीं अराल सी जो है कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान, ये भी सेंट्रल एशिया में है। तो सेंट्रल एशिया में आपको दो मिला है इम्पोर्टेंट, पहला तो एक कास्पियन सी और दूसरा जो है वो अराल सी, और ये है कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। यू कैन रिमेम्बर KUB, कुब। ठीक है, एरिया इज 68,000। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हो, कास्पियन सी के अगर आसपास बॉर्डरिंग एरिया, तो यू कैन रिमेम्बर KRAIT। वी नो दैट दिस इज अ स्पीसीज ऑफ स्नेक जो इंडिया में पाया जाता है। लेक ह्यूरोन की बात करें तो हमने देखा था जब ग्रेट लेक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि देर इज अ लेक विच इज एट द बॉर्डर ऑफ USA एंड कनाडा। पांच लेक हैं ग्रेट लेक्स जिसको हम बोलते हैं, और ये USA और कनाडा के बॉर्डर में है। एरिया है इसका 596,000। वही लेक मिशिगन जो है वो इंटायरली USA में है, बट इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट ग्रेट लेक्स, 57,800। लेक तगानिका जो है वो जाम्बिया और जैरे अफ्रीका के रीजन में, 32,900 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इनका, नंबर 7 पे है। तो कास्पियन सी जहाँ फर्स्ट पे है, वहीं तगानिका जो है वो नंबर 7 पे है। लेक बैकाल जो है इट इज इन रसिया, एरिया इज 31,722 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही कुछ और भी आपके पास लेक्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। मालावी जो है, आप देखें कि अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में देर इज अ कंट्री नेम मोजाम्बिक, जहां से आपको मोजाम्बिक चैनल के बारे में पता चलता है जो मेडागास्कर से अफ्रीका को अलग करता है। मालावी और मोजाम्बिक में देर इज अ मालावी लेक। ठीक है, एरिया 29,000। ग्रेट स्लेव जो है हमने देखा था कनाडा में है। ठीक है, एरी जो है USA और कनाडा के बीच में है, और आपने देखा था कि एरी को जो ओंटेरियो से कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं एरी दैट कैनाल। विनीपेग जो लेक है ये कनाडा में है, वही ओंटेरियो जो है वो कनाडा और USA के बॉर्डर में है। एरिया 19,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, बालखस जो है वो कजाकिस्तान में 18,260 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया है। चार्ड में, अब चार्ड जो है इट्स अ नेम ऑफ अ कंट्री इट सेल्फ, और नाइजेरिया, निजर एंड कैमरून, ये सब एरिया मिला के देर इज एन लेक विथ एन एरिया ऑफ 17,800 किलोमीटर स्क्वायर। लडोगा जो है वो रसिया में है, 17,600 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं ओनेगा जो है ये भी रसिया में है। तो लडोगा एंड ओनेगा रसिया में। लेक आयर, आयर इससे पहले जो आपने देखा था एडी, वो USA कनाडा में था। आयर जो है, लेक आयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में 9,300 किलोमीटर स्क्वायर। लेक टिटिकाका जो है पेरू और बोलेविया, साउथ अमेरिका की ये दो कंट्रीज हैं, तो पेरू और बोलेविया के बॉर्डर वाले एरिया में 83,000 किलोमीटर स्क्वायर। लेक निकारगुआ, निकारगुआ में है और 8,157 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अथाबस्का, ये कनाडा के रीजन में, 7,936 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। और रेन डियर भी कनाडा में है, रडल्फ भी केनिया में, रडल्फ जो है वो केनिया में है अफ्रीका में। और ये यस्क कुल किर्गिस्तान, ये किर्गिस कुल जो है वो किर्गिस्तान में है, 6,280। सो इसमें जो है बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो स्पेशली हमें बता रहे हैं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एनी लेक, मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड व्हाट इज देयर एरिया। व्हाट वी नीड टू लर्न इज दैट व्हाट इज द टॉप 10, और यू कैन से दैट द कंट्री
अराउंड वेयर दीज लेक्स आर लोकेटेड। ठीक है, पिक्चर्स में भी हम कुछ देख सकते हैं। तो दिस इज वट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट देयर इज अ ग्रेट बियर लेक यहाँ पे कनाडा में, वहीं ग्रेट स्लेव लेक भी कनाडा में है। बट ये जो एरिया है लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटेरियो और एरी, यहाँ से एक लाइन ऐसे क्रॉस करती है, इसमें यूएसए कनाडा दोनों आ जाते हैं। और ये पांच जो लेक होते हैं ये कहलाते हैं ग्रेट लेक्स। वहीं लेक निकारगुआ जो है वो निकारगुआ कंट्री सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है वहाँ पे। फिर यहाँ लेक मारसियाबो, लेक मारसियाबो जो एरिया है वहाँ पे ये आपको मिलता है। ठीक है, और ये कोलंबिया वाला जो रीजन है दैट इज कोलंबिया और वेनेजुएला, इसके रीजन का है। लेक टिटिकाका जो है हमने देखा था कि इट इज एट द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलाविया, ऊपर पेरू है नीचे बोलाविया है। ठीक है, रसिया में हमने दो देखा था, देयर इज अ लेक लडोगा एंड लेक अनुनेगा। ठीक है, ये दोनों वहां पे थे। लेक बैकाल इज ऑल्सो एट द पार्ट ऑफ द रसिया, देन लेक जिनेवा। ठीक है, जिनेवा के बारे में आप सबने सुना होगा। वहीं कास्पियन सी के बारे में बोला था कि देयर इज अ निमोनिक्स, दिस इज कॉल्ड करेत। करेत में क्या है, किर्गिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, एंड वाई एंड आई इज फॉर, आई इज फोर आप देख लेना, आई इज फोर ईरान। सो ये करेत वाला एरिया है। ठीक है, वहीं अरल सी है। अरल सी जो है, अरल सी के बारे में हमने क्या बोला था कि अरल सी के बारे में हमें सिर्फ एक ही फैक्ट याद रखना है कि दिस इज इन डाइंग फेज एंड KUB, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, चाइना का क्युंगाही लेक, तोनले लेक, टोबा जो है यहाँ पे आप देखो, दिस इज द कंट्री इन नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट एशिया में आपके ये कंट्रीज हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है थाईलैंड, लाओस वाला, और थाईलैंड और लाओस वाला, और नीचे इंडोनेशिया का जो रीजन है। ठीक है, देन लेक आयर, हम देखा था कि यहाँ पे लेक एरी है, ये ग्रेट लेक्स में एक पार्ट है, और यहाँ पे दिस ग्रेट लेक्स वाले रीजन में, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में दिस इज लेक आयर। वहीं पे लेक तगानिका, तंगानिका, लेक विक्टोरिया, लेक सार्ड और लेक मालावी, ये सब जो रीजन है, ये सब जो है ये अफ्रीका में है, और ये इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। ठीक है, पांच लेक्स की अगर बात करें तो ये जो था व्हेन वी रेड, तो इसमें ये था, ये दिस ग्रीन लाइन इज बॉर्डर बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा। पांच लेक्स में जो नॉर्दर्न मोस्ट है दिस इज द लेक सुपीरियर, एंड साउदर्न मोस्ट इज लेक एरी। इन सब के बीच में देर इज अ कनेक्टिंग कैनाल्स, तो अब लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरन के बीच में देर इज सू कैनाल, वहीं दिस कैनाल इज बिटवीन लेक एरी एंड लेक एंटीरियो। ठीक है, ये हमने देखा था। दूसरा ये जो है, दिस इज द अराल सी जो है, इट इज डाइंग। 1989 में दिस वॉज लाइक दिस, इतना बड़ा एरिया था, एंड नाउ ड्यू टू द पॉल्यूशन एंड एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर इट हैज चेंज्ड इट साइज। अभी देखो इट हैज श्रिंक्ड एट ऑल। तो इसके बारे में हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो इन दिस वे यू हैव गॉन थ्रू द इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये सारे जो लेक्स थे इट वॉज कवर्ड बाई द लूसेंट्स। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है इसके लोकेशंस एंड इट्स साइज, मतलब इतना एरिया डायरेक्टली नहीं पूछते, बट एटलीस्ट यू मस्ट हैव सम जनरल अवेयरनेस कि कौन बड़ा है। तो कास्पियन इज द बिगेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो दिए हुए फैक्ट है उसमें जो सबसे छोटा है दैट इज 6281 के साथ किर्गिस्तान में यसक कुल लेक जो है ये। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।